व अनना हम लं तजिल्लो यफ्तर कहत्ता यरदा जाहिर सी बात है कि जो है कि रसूल अकरम सल्हसम का हर फरमान हमारे लिए हिदायत का मरक़ है हमारे लिए हुज्जत है और हमारे लिए बख्शिश और नजात का सहारा है यही वजह है कि हमको अपने हर अमल में खुशनू दिए मुआब खुशनू दिए अतहार देखना चाहिए कि आया हमारा जो ये अमल जिसको हम अंजाम दे रहे हैं ये खुशनूदिये इलाही और खुशनूदिये नबी और खुशनूदिये आइम अतहार के मुताबिक है भी कि नहीं है इसलिए कि रसूल इस्लाम ने साफ कर दिया जाहिर है आप का ये आखिरी कलाम है कि जिसके लिए जो है ये आखिरी कलाम देखिए आखिरी दिनों के कला जो अल्फाज होते हैं तो वो हमारे लिए वसीयत कहा गया है और वसीयत का पूरा करना हमारे लिए वाजिब और लाजिम है रसूल ने क्या फरमाया कि इन्नी तार कुम्फी को कि मैं तुम्हारे नजदीक दो चीजें छोड़े जाता हूं पहली चीज क्या है कुरान दूसरी चीज क्या है इतरत किसकी रसूल इस्लाम वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी इतरत और कुरान छोड़े जाता हूं और ये दोनों जो है ये अलग नहीं होंगे हद ये है कि हौजले कौसर पर ये दोनों साथ होंगे अब अगर हम ये कहें कि हमारे लिए खाली कुरान काफी है तो फिर रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हिदायत की इतरती तो हमारे लिए काफी नहीं है हमारा ईमान नाकिस है हमारा ईमान मुकम्मल नहीं के भाई रसूल इस्लाम ने फरमाया है कि जो है कि हम दो चीज़ें छोड़े जाते हैं तुम्हारे नज़दीक और हम ये कह रहे हैं कि खाली क़ुरान हमारे लिए काफ़ी और शाफी है देखिए क़ुरान और अहले अहल बैतम सलातम का इतना रब्त है कि अगर हम क़ुरान समझना चाह रहे हैं तो जब तक हम अहले अहिलतम का दर अख्तियार नहीं करेंगे उनकी उनकी हिदायत पर अमल नहीं करेंगे हम उनसे सहारा नहीं लेंगे तब तक कुरान हमारी समझ में नहीं आ सकता इसी तरीके से अगर हम अहले बैत को समझना चाहते हैं तो बगैर कुरान के अहले बैत हमारी समझ में नहीं आ सकते हैं अहले बैत की अजमत क्या है अहले में अहले बैत का वकार क्या है अहले बैत की फजीलत क्या है ये हमारे जहन में जभी ही दाखिल हो सकती है कि जब हम कुरान को सही सही और उसके ऊपर गौर व फिक्र करें याद रहे कि कुरान हमारे लिए खाली इसलिए नहीं आई है कि हम उसको रट लें और रटने के बाद फर्फर 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 फटफट फर फर हम सुना दें और हमें यह तमीज ना हो कि जो है कि सूरह अलहमद में हमें हम यानी हमारे लिए कौन कौन सी हिदायत हैं हमको हमसे क्या कहा गया है नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है कि हमारा कुरान पढ़ना वैसे ही है कि जैसे हम दूसरी किताबें रट लेते हैं और अगर ये मुकाबला करते हैं कि आम किताबों से कुरान का तब पर भी साफ साफ हमारे लिए वही रास्ता है जो जहन्नमियों का रास्ता है इसलिए कि कुरान कोई मामूली किताब नहीं है कुरान कानून इलाहिया है जिंदगी गुजारने के लिए एक एक कानून जो है इसमें लिखा हुआ है शर्त यह है कि जो है कि जब किसी भी किताब को हम पढ़ेंगे तो जब तक उसको समझेंगे नहीं हम तब तक वो किताब हमारे जहन में घुसने वाली नहीं है उस, उस किताब का मतलब हमारे जहन में पेवस नहीं हो सकता है और कुरान ऐसी किताब है कि जो आम इंसान के बस की बात नहीं है ये रसूल अक्रमली वल्लम का के ऊपर नाजिल होने वाली ये किताब वो किताब है कि जिस जो मोजा है वही समझा सकते हैं वही बता सकते हैं तो ये साफ है इसके लिए हमारे पास तमाम हवाला जात हैं ऐसा नहीं है कुछ मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं इसलिए कि मैं कभी कोई हवा में बात नहीं करता बल्कि मैं अपने साथ सबूत रखता हूं बाहर कैफ रसूल अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो चीज़ें छोड़े जा रहा हूं किताब और दूसरी मेरी इतरत किताब खुदा और मेरी इतरत ये दोनों जुदा नहीं होंगे हद ये है कि हौजेक कौशल पर ये दोनों मिलेंगे बस जरूरी यह है कि हम दोनों को मरकज बनाएं दोनों का नमूना बनाए तभी हमारे लिए ये नजा, ये नज़ा हमारी करार ये हमारा पढ़ना हमारे लिए नजात का सबब बनेगा और जैसा कि यह महीना जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं अगर इसकी फजीलतों पर इसके फजाइल के ऊपर जाएं तो यह हकीकत है कि इसमें इतनी नियामतों की बरसात होती है रहमतों की बरसात होती है कि हम शुमार भी नहीं कर सकते और अगर हमने इस महीने को जिस तरह ग्यारह महीने हम गुजार देते हैं अगर इस महीने को भी गुजार दिया तो ये कोई देख के नहीं आया है कि जो है कि अगला मही आगे आने वाला रमज़ान हमको नसीब भी होगा या नहीं होगा हद यह है कि मोलायन अलीबिन ने, ने फरमाया है और दीगर बासूम ने भी फरमाया है कि जब रात का रात को सो तो उससे पहले अपने दिन भर का हिसाब किताब करके सो यह किसी का कर्ज तो नहीं है किसी को मैंने जो है किसी के दिल पे तकलीफ तो नहीं पहुंचाई है किसी के हकूक तो नहीं हमने जो है किसी के बाकी रह गए हैं कहीं ऐसा ना हो कि सुबह जब हम उठे तो हमारे हमारी आंख जो है ना खुल सके बल्कि हमको लोग कंधों पर ले जाके और कब्र के हवाले करके चले आए तो जब हमको ये नहीं मालूम है कि हमारी जिंदगी कितनी है तो अब ये कैसे तस्वर करते हैं कि जो है कि आइंदा साल रमज़ान में जब आएगा तो देखा जाएगा जैसा कि एक लतीफ़ा है कि एक साहब से जो है मैंने मैंने ख़ुद ये हमारा मुशाह किया हुआ ये बात है कि एक साहब जो है वो रमज़ान में आम तरीक़े से वो खा पी रहे थे और सिगरेट नोशी भी कर रहे थे मैंने कहा कि भाई चूँकि हमारा रिश्ता बहुत करीबी था एक जो है और ऐसा रिश्ता था कि जो है कि जो तफरी वग़ैरह भी हो जाती है उन रिश्तों में मज़ाक भी हो जाता है तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि रमज़ान ये वो महीना है कि जिसमें अगर जो है तुम कम से कम कोई बीमारी की वजह से अगर तुम्हारी कोई परेशानी है और कोई ऐसी इल्लत है कि रोज़ा नहीं रख सकते तो कम से कम जो है वो रोज़ेदारों का एहतराम करो उनके सामने कोई अमल ऐसा फेल अंजाम न दो कि वो रोज़े में रह के और उसको दुनिया की नामतें जो हैं उवी नामतें नहीं दुनिया की लज्तें जो है उसको लज्जतों का एहसास हो बहरहाल उन्होंने कहा कि मौलाना जो है मैं नमाज़ भी पढ़ता था और जो है वो साहब रोज़े में भी रमज़ान के रोज़े भी रखता था मस्जिद में जाता था तो मस्जिद में जो है वो एक कतार रहती थी और एक यानी इफ्तारी के लिए और कहीं कहीं ऐसा होता था कि जो है कि छीना झपट भी हो जाती थी यानी उन्होंने जो है ये इल्लत दी ये बहाना बताया जो बहाना हमसे तो बता दिया लेकिन बाहर गया ख़ुदा में तो ये बहाना नहीं चल सकता है अब जब मौलाना में जाने लगा तो देखा कि जो है कि अब रोज़ मस्जिदें भरी हैं रोज़ मस्जिदें भरी हैं रमज़ान में मस्जिदें भरी हैं एक दिन मैंने सोचा कि जो है कि अब ही नमाज पढ़ लो और तुम ही जो है रोज़ा रख लो और तुम अब तारी खा लो तो जाहिर सी बात है कि जो है कि ऐसे लोग ये वही कह सकता है कि जो जिसको खुदा बंदे आलम पर भरोसा नहीं है यकीन नहीं है दुनिया को तो उसने जो है समझा दिया और दुनिया उसको जो है बता दिया कि जो है कि साहब जो है वो मस्जिदों में भीड़ अरे मस्जिदों में भीड़ जो है हमको मस्जिदों की भीड़ से जो है अच्छी अच, अच्च, चीज़ है कि जो है कि अल्लाह और तोफ़ीत में इजाफा फरमाए लोगों को मस्जिदों में ऐसी भीड़ हो कि एक भी मस्जिद में पैर रखने की जगह ना हो उसमें तो और अच्छी बात है भाई नमाज जमात के लिए क्यों कहा गया है क्यों बताया गया है ताकि मोमिन एक दूसरे से रब्त रखें एक दूसरे का जो है हाल मालूम होता रहे सब आप बताया गया बाहर का बहरहाल इसी तरीके से कि हम अगर रमजान माह रमजान माह रमजान को अल्लाह के नजदीक जो हमारे ऊपर फजाब माह रमजान में जो वाजिब करार दिए गए हैं तो हम दुनिया को ना देखें बल्कि हम ये देखें कि आय एतहार हमारे लिए हमको हम क्या बता रहे हैं आइम एतहारसलात साम ने खुद करके बताया मुझे म, हमारे और आपके मौला अलीबी तलीसम ये फरमाते हैं कि देखो हमारे नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब तरीन जिहाद क्या है गर्मी के रोजे और तलवार से जिहाद करना एक तरफ आपका मौला ये बता रहा है कि देखो गर्मी के रोजे हमको बहुत ज़्यादा महबूब हैं बहुत ज्यादा पसंद हैं और हम ये दावा कर रहे हैं कि साहब हम अली के चाहने वाले हैं और जो मौला फरमा रहे हैं जो वो बता रहे हैं उसको हम मजाक समझ के माजल्ला माजल्ला रहे हैं क्यों मौलाई बरमा रहे हैं? गर्मी के रोजे मुझे पसंद रहे हैं हम ये कह रहे हैं बहाना कर रहे हैं कि साहब अरे बड़ी गर्मी होती है और बहुत काम होते हैं और आ, मुझे जाना भी पड़ता है और मुझे आना भी पड़ता है और ये भी है और वो भी है और कैसे मुमकिन है यही हमारी चाहत है मौला से यही हमारी चाहत है रसूल इस्लाम से यही हम अल्लाह अल्लाह अल्ला के नजदीक हैं यही हम मुसलमान हैं क्या मुसलमान होने का मतलब यही है बाहर कैफ हमको देखना यह चाहिए कि आईम अतःार हमको क्या बता रहे हैं तब हम असली मोहिब हो सकते हैं इसलिए कि यह कुरान जो हमारे लिए हिदायत का मरकज बन के आई है जो कल्ब नबी पर नाजिल हुई और जिसके लिए मिलता है कि अगर ये पहाड़ों पर नजर नादिश होती तो पहाड़ चूर चूर हो जाते तो नबी ने हमको एक एक चीज अल्लाह अल्लाह के कानून की एक एक चीज जब बता दी है जैसा कि कुरान मजीद में सूर्य इमरान में है हाजा बयान से वहदन मोयजतन लिलमुत कि आम लोगों के लिए नहीं है बल्कि मुत्तियों के लिए जो है ये नसीहत की किताब है ये हिदायत की किताब है तो मुत्त हम कैसे बने मुत्त हम जभी बन सकते हैं जब ही हम मुस्तबों पर इसमें आ सकते हैं कि जब हम कवानी इलाहिया की पाबंदी करें सोमो सलाद की पाबंदी करें हलाल रिज की तरफ हम बढ़ें हराम से हम दूर रहें दुनिया के लुभाने वादों में ना आए साहब फला ने इतना बेहतरीन मकान बना लिया है कि नीचे से ऊपर तक के सिवाय शीशों के कुछ नहीं लगा है आप उसके बारे में ये भी सोचें कि आया इसने हलाल की रकम से बनाया है या हराम की रकम से बनाया है आज बड़ी आसानी से कह देते हैं लोग कि साहब हमारा बच्चा नारायक निकल गया हमारे खून में कौन सी कमी रह गई थी देखिए ये ना हमारे खून में कमी रह गई है और वो क्यों नालायक निकल गया है कहीं ना कहीं वो बच्चा ये कोई जरूरी नहीं कि जगह के भी इसमें जो है वो शामिल होते हों वो बच्चा जो है या जो बड़ा है उसकी गजा पर जो है वो मुनसर है यह कोई जरूरी नहीं कि वालदेन जो गजा ला रहे हैं उसकी उसी पर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने हिसाब से जो गजाएं इस्तेमाल करने लगता है एक सबब यह भी है जहन उसका शैतान का जो है बिल्कुल मुरीद बन जाता है ये भी एक वजह है कि शैतान उस पर गालिब आ जाता है तो जहाँ तक के वालद की हर जगह पर ख़ता नहीं होती बल्कि बच्चे की गज़ा और बहुत सी जगहों पर वालदान की कमाई हुई दौलत का भी असर पड़ता है कि अगर हम मसलन जो है वो एक खेत में ज़रात कर रहे हैं तो जिस तरीके से उसको हम पैराएंगे जिस तरीके से उसको बनाएंगे अच्छा बनाएंगे उसी हिसाब से उसकी फसल होगी लिहाजा ये मिसाल हमने इसलिए दी बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदारी वालदेन पर है उसकी तरबियत ऐसी करें चूंकि तीन मरहले होते हैं जिसमें एक मरहले में बच्चे को मां बाप की हर हिदायत पर नहीं बच्चे को बच्चे के हर जिद के ऊपर मां-बाप मां बाप को उसकी जिद पूरी करना है मसलन एक मिसाल मैं दे दूं आपको कि बच्चा छोटा है तो अगर मिसाल के तौर पर वो यानी आग के सामने चला गया है तो बच्चा तो बच्चा होता है और वो अंगारा उठा उठाने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको मना करेंगे ना तो हमारे ऊपर फर्ज है लाजिम है चूंकि बच्चा नहीं जानता अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसने कहा कि जो है कि पापा मुझे जूते पहनाओ तो जूते पन्नाना है बच्चे ने कहा कि ए वालद ग्रामी जिद की अपनी ज़बान में कि नजास्त करीब आ गई है पेशाब बच्चे ने कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि वालदेन को उस मरहले में वालदेन की जिम्मेदारी है बहर यह मरहला आठ साल साल तक के चलता है कि जब वालदे अपने बच्चे के हर तरीके से गुलाम हैं हर बात के ऊपर गौर फिक्र करना है और आठ साल के बाद जो है वो बिल्कुल बरअक्स हो जाता है जब बच्चे की आठ साल की उम्र होती है तो उसके बरअक्स हो जाता है अब जो वालदेन हुक्म करेंगे मैंने बताया था कि तीन भर होते हैं वालदेन हुक्म करेंगे उस पर अमल करना है तुमको तालीम हासिल करना है तुमको यह करना है तुमको वो करना है तुमको वो करना है और जो अट्ठारह साल तक के बाद उसको वही करना है जो वालदेन का जो है उस बच्चे को पालने के लिए करते थे हलाल रिस्क जो है वो कमा के लाना है अपने वालदेन की खिदमत करना है बहरहाल हमारे लिए ज़रूरी यह है कि जो है कि जब जब ही हमारा बच्चा जो है बेहतरीन मोती और बेहतरीन सदफ के मानंद हो सकता है कि जब हम उसकी बेहतरीन तरबियत करें क़ुरान मजीद की तालीम दें वसलाम के अहकाम बताएं अहल बैतम वसलाम की जिंदगी से आशना करें उसको और हक हलाल की रोजी और रोटी उसको खिलाएं और उसको उस हिसाब से तरगीब दें कि जो है कि शैतान उसके करीब ना आने पाए उसी में एक अहम फरीज़ा है कानून इलाहिया जो बशल क़ुरान हमारे नज़दीक है हमारे सामने आई है पे रसूल अक्रम सम के हवाले से हम उसकी एक एक जुमले को ऊपर ग़ौर वफ़िक्र करें और इस तरीक़े से अपने बच्चों को जो है कुरान की तालीम दिलवाएं कि जिस तरीक़े से एक इंसान जो है चिड़िया को दाना चुगाता है वह आखिर दावाना अनिलहमदल रबालमीन